हेलो खमागणी सबको, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपके साथ ज्योति। तो मेरे बालों का जो हालात है इन दिनों बहुत ख़राब है, तो मैं सोच रही हूँ कि ना मैं शेड्स चली जाती हूँ और देखती हूँ क्या मैं ट्रीटमेंट लूँगी अपने हेयर के लिए। लेट्स सी मैं क्या करवाऊँगी। वैसे तो मैं हेयर स्पा का ही सोच के निकल रही हूँ, लेकिन अगर कुछ और वो लोग मुझे अच्छा रिकमेंड करते हैं मेरे हेयर की कंडीशन देख के, तो मैं डेफिनेटली वो ट्राई करूँगी। और मैंने उबर अभी बुक की है और मैं और क्यू दोनों निकल रहे हैं घर से। और मैंने क्या पहना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने पहना है ये टॉप जो मैं अभी कुछ दिन पहले ही लेके आई थी, आपको मैंने व्लॉग में दिखाया भी था। और साथ में मैंने डेनिम पहना है और बेल्ट भी मुझे लगाना पड़ा है, क्योंकि ये डेनिम मैं तब लाई थी जब मैं यहाँ जयपुर आई थी। और अब मेरा वेट थोड़ा लूज़ हो गया, तो ये अब डेनिम जो है मुझे आ ही नहीं रहा है, तो उस वजह से मुझे ये बेल्ट यूज़ करना पड़ा, वरना मैं नहीं करती। और ये बेल्ट वैसे मेरा है भी नहीं, ये मेरे भाई का है। वैसे भी क्या ही फ़र्क पड़ता है कि आपने लड़के वाला पहना है लड़की वाला, सबके बेल्ट आपको पता है सेम ही दिखते हैं। तो मैंने खुद खुद को इस तरह से कुछ स्टाइल किया है। और अब मैं और क्यों निकल रहे हैं, तो हम माँ बेटी निकले हैं ऑटो की सवारी करने। तो मैंने ऊबर से ना कैब की बजाय आज ऑटो बुक की थी, जो कि मुझे बहुत ही कन्वीनियंट भी पड़ा और प्लस मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम आ गए हैं सैलॉन में, क्यू को मैंने खेलने के लिए लगा दिया, और क्यू के साथ कुछ भी कराना थोड़ा इम्पॉसिबल सा लगा मुझे। और यहाँ पर मैंने देखा एक छोटी सी गुड़िया अपनी मम्मी के साथ आई थी। काश मेरी वाली इतनी बड़ी होती तो मैं भी आराम से कुछ ना कुछ तो करा ही लेती, लेकिन मैंने सोचा कि ना मैं बाद में करवाऊँगी। मैंने जब पूछा तो उन्होंने कहा हेयर स्पा नहीं, पहले आप बोटॉक्स लो, और उसके लिए मेरे पास इतना टाइम था नहीं। मैं ना बाल साहब के पास आई और मुझे यहाँ आते ना भूख लग गई। बाल साहब ने बना रखी है पनीर की सब्जी, तो उसको उसने मैंने खाई कैसे वो देखो। अरे बाप रे, देखो हिम्मत है। मैंने मीठी नमकीन, दही और पनीर की सब्जी। इसे चलो दही के माई ने बूंदी राय चटनी डाल के भी अच्छा लगा। कुछ भी, बस भूख लग रही थी, कुछ भी खाना है, कुछ भी मतलब कुछ भी अच्छा बना। और बाई बाई कंटिन्यू है ना, लग रही है बात कर पा गए। वो अपना मस्त मजे ले रही है। रिशु ना मेरे लिए नींबू पानी लेने गया है बना के। तो मेरा भतीजा कितना वो है, कितना प्यार करता है मेरे से, मेरे लिए नींबू पानी बना के लाया है। क्योंकि वो सो गई है, मैं छोड़े लेने जा रही हूँ भाभी साहब के साथ में। और होप्स हो कि पूजा भाई साहब जो कैमरामैन बने हुए हैं अभी मेरे लिए, वो क्यू को संभाल ले। मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, ठीक है। तो फाइनली शॉप पे तो आ गए हैं। लेट्स सी कुछ समझ आता है क्या। बहुत सारे चूड़े देख रही हूँ मैं, होप्स हो कुछ समझ आ जाए। पर मुझे ना ढाल वाले चूड़े नहीं चाहिए फिलहाल। फिलहाल मतलब ऐसे चाहिए मुझे कुछ बैंगल टाइप, ढाल वाले चूड़े बहुत हो रखे हैं। थैंक यू। पर ये समझ नहीं है ना। नितुषा के पास भी सेम यही है क्या? हाँ। और आपके पास भी सेम है? 200, 200। तो फिर ये मेरी मम्मी लेके गई थी। यार चीज़ें तो बहुत सारी हैं, जैसे कि मुझे ना भाई से इसमें और इसमें भी मैं कंफ्यूज हूँ। पर मुझे ना ये थोड़ा सा पता नहीं क्यों इतना खूबसूरत नहीं लग रहा। वाइट है ना, वाइट सब पे जाएगा, जब से जाएगा। इसलिए एक मुझे ये भी बहुत, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, बट इतना भी नहीं लग रहा। इस टाइप का कुछ नहीं, नहीं दिख रहा। बताइए, हेलो बताइए, है उसमें सही? मैं अनशाना करके लाऊं कि शानी लुगाई है मेरे सागे जावेगी कि सही चीज बतावेगी। और शानी लुगाई दुकान के बारे बैठ जावे आगे। एक घंटा हो गया ना देखता देखता, एक घंटे तो बोल रहे हैं कि मैं चार दुकानों को माल और अठे मंगवा दियो। मैं सोचा कि सही एडवाइस कराऊंगा, बार्गेनिंग कराऊंगा। बार्गेनिंग भी बार्गेनिंग वाली टाइम मुझे बुला लेना। हो गया मामले सल्ट गयो। मामा लहरी वाला जो चूड़ा आप बता रहे थे ना, वो चूड़ा साइज में छोटा था, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। अब आप ये दिखा दो एक एक करके कि मैं क्या क्या लाई हूँ। ये है लीली पोशाक का। हाँ मतलब ये तो पोशाक के मैच करके, ये फिर पोशाक का, ये फिर पोशाक में मैच करके, ये फिर ये क्या है? पास से दिखाओ मामा थोड़ा सा। हाँ हाँ, और दिखाओ मामा। ये फिर हाँ, मेरे को मामा पता है क्या है, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी
कि मुझे कैसे पहनना है मैं आपको बताऊंगी। हाँ वो भी दिखाओ, ये फिर मेरी। यस, उनके पास ये ज़्यादा अच्छा था तो मैं ये लेके आ गई। और ये मैंने सोचा कि मेरा बहुत टाइम से मन था कि कुछ ऐसी वेलवेट वाली चूड़ियाँ होनी चाहिए जो पोशाक के मतलब दुबई चूड़े के आगे पहन लो, है ना? अच्छी लगी? मुझे पता है आपको जो चाहिए था वो निलाई में, है ना? आपको तो वो चाहिए था कि मेरी बेटी वो पहने, ढाल वाला, लहरिए वाला, लाल चूड़ा, है ना मामा? मामा साइज़ में मतलब छोटे थे उसके पास, अवेलेबल ही नहीं थे। हैं? नहीं, ढाल में अच्छे ही नहीं थे, यही मिले। ये तो कार्ड उन्होंने बोला हम ऑनलाइन भी देते हैं, तो अगर आप कोटा के हो तो हम दे देंगे। मम्मा क्यू को प्यार दिखा रहे हैं, मम्मा क्यू को प्यार कर रहे हैं। क्यों ना ऐसे ना, मैं आधे घंटे छोड़ गई हूँ सिर्फ और सिर्फ, मैं और भाभी से सब चूड़े लेने गए, इतनी देर में तो क्यों ना चिल्ला चिल्ला के बुरा हाल कर लिया है। हालांकि मेरे लिए ना खुशी की चीज नहीं है, बहुत डराने वाली चीज है, क्योंकि जब मैं दोबारा ऑफिस जाना शुरू करूंगी तब हमारे क्यू मैडम क्या करेंगे। पूजा के पास छोड़ दिया मम्मी ने, मासी के पास छोड़ दिया। मम्मा जिसमें तो आधा घंटा भी नहीं हुआ था, फिर रोया मेरे बाबू। क्या कर रहे बेटा? रोया कितना? रोया तू? गन्ना गन्ना रोया मेरे बेटू, गन्ना रोया मेरे चांदू, माची के पास गन्ना रोया। हाँ गोदी खिलाने वाली थी माची, तो खेलता वहाँ पर। हाँ रोया नहीं तू? क्यों नहीं रहा? मेरा अमेजोन का पार्सल आ गया और उसमें से ये ट्राउज़र निकला। ट्राउज़र बहुत ही अच्छा था, सच बता रही हूँ। अमेजोन पे क्वालिटी जितना मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे ज़्यादा अच्छी दी है। और ये मैंने एक शेफवियर मंगवाया था जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी इन दिनों, और मैं सही बताऊँ इससे मैं इतनी खुश हूँ ना, क्योंकि पहले जो मेरे पास कोटा में शेफवियर है वो इतने अच्छे क्वालिटी में नहीं है जितना कि मुझे ये मिला है। और ये ट्राउज़र अब मैं पहन के दिखा रही हूँ आपको, और विथ शेफवियर, जिस वजह से इतना अच्छा लुक आ रहा है, इतनी अच्छी शेप आ रही है। ट्रस्ट मी, मैं शेफवियर को आपको रिकमेंड करूँगी, इवन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी। और ये टॉप के साथ जा रहा था, शर्ट के साथ भी मैंने ट्राई किया था, एक जो मैंने अभी अभी फ़िलहाल टॉप लिया है उसके साथ भी मैंने ट्राई किया, उसके साथ तो बहुत ही सही जा रहा था। मतलब मैं ब्लैक हील पहन लूँगी और उसके साथ बहुत सही जाने वाला है, ट्रस्ट मी। मैं ये ट्राउज़र आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी दे दूँगी जिसके ज़रिए आप भी इसे परचेज़ कर सकते हो। और इस टॉप का भी मैं लिंक दे दूँगी, टॉप का लिंक मैं कैसे दे सकती हूँ, मैं भूल ही गई कि मैंने इसे ऑफलाइन परचेज़ किया। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ऐसे अपना प्यार देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।